सो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा रेडमी नोट 9 प्रो है और आज इसका बैक पैनल हम चेंज करेंगे अपने हाथ से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम हीट गन से इसको हीट कर लेते हैं दोस्तों। तो हीट करने के बाद मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैं इससे खोल रहा था पहले कार्ड से, क्योंकि कार्ड से खुल नहीं पाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही नरम था। तो मैंने ले लिया जिससे दीवार पर हम पेंट करते हैं, मैंने उसका सहारा ले खोलने की कोशिश किया और खुल गया, ये काम कर गया तरीका। तो देख सकते हैं बैक पैनल निकल चुका है अभी, और इसकी जगह पे हम एक और लाए हैं, बाहर से मंगाए हैं, ऑर्डर देखे उसको हम लगाएंगे। गाइस, इसको लगाने से पहले आप ध्यान रखिए कि आप इसको क्लीन अच्छे से कर लीजिए बहुत अच्छी तरह, तभी ये अच्छे से बैठेगा आपके बैक में, वरना ये उबड़ खाबड़ बैठेगा और अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी बात गाइस कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ मोबाइल रिपेयर करने का, मैं खाली ट्राई कर रहा था क्योंकि मेरा बैक और फ्रंट दोनों ख़राब हो गया था। तो सो मैं गया था गैलरी में इसको देने एमआई के, बट उन्होंने मुझे बोला कि फ्रंट जो डिस्प्ले मेरा लगाने का है कॉम्बो उसका 4800 लगेगा और बैक का 2000, मतलब टोटल 6800। गाइस इतने में तो मैं नया फ़ोन ख़रीद लेता कुछ 6000-7000 के आसपास में। सो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने हाथ से ही बना लूँ, लेकिन बट डिस्प्ले जो है वो बाहर ही मंगाना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन लगा था, इसलिए मैं खुद से नहीं लगा सकता था मंगा के, इसलिए मैं बाहर से मंगाया। और मैं अब बैक पैनल भी लगा रहा था, डिस्प्ले मुझे 2800 में पड़ा था, ये मुझे 300 में ही पड़ गया बैक पैनल। तो कहा अभी मैं इसे लगा रहा हूँ। और गाइस आप भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ कुछ भी फ़ोन में ख़राब हो तो आप डायरेक्ट जाके गैलरी में ही दो या फिर दुकान पे दो, आप खुद से एक बार ट्राई करो लेकिन अच्छी तरीके से, ये नहीं कि कुछ भी कर दो उसमें। अभी देखिए ये लग चुका है बड़ी अच्छी तरीके से। तो ये भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसको ट्रांसपेरेंट बना दूँ। तो गाइस कमेंट में करके बताना कि क्या मैं इसको ट्रांसपेरेंट बना दूँ, लेकिन कुछ दिन लगेगा उसको बनाने में क्योंकि हमारे पास चिपकाने के लिए कुछ नहीं है अभी वापस निकालने के बाद, इसलिए हमको टाइम लगेगा अभी। और गाइस देखिए देखिए कितनी अच्छी तरीके से बन गया है, कहाँ 6800 देना पड़ता था और कहाँ 3100 में ही पूरा रिपेयर हो चुका है। तो गाइस ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ में प्रोफेशनल हो तभी उस काम को करो, आप ऐसे भी कर सकते हो बस, क्योंकि हर चीज़ गाइस सीखने पे ही आता है, अगर आप कोई चीज़ सीखेंगे नहीं तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप भी कभी ट्राई कीजिए अपने घर पे, कि हर चीज़ तो पेट से नहीं ना सीखा जाता, सब बाहर ही सीखते हैं। तो बस गाइस इतना ही आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, थैंक यू।